Assalamualaikum, Salman Siddiq. I'm with my friend today, Ghulam Mustafa, जिनको आप पहले भी देख चुके हैं. दो साल पहले एक वीडियो की थी हमने, तो उसमें थे. आज की जो वीडियो, इट इज अबाउट सम फिलैंथ्रोपी वर्क और आई गेस रिलीफ वर्क बाय मोरो तैमूर सलाउद्दीन. ही इज़ वेरी फेमस. काफ़ी ज़्यादा आप लोगों में से जो हैं उनको पता ही होगा हु ही इज़. ही इज़ एक्चुअली अ व्लॉगर, बहुत मशहूर. आई गेस मोस्ट प्रॉब्ली द टॉप व्लॉगर इन पाकिस्तान. इसको काफ़ी लोग आई गेस इरफान नेजो से भी ऊपर रखते हैं, राइट? हाँ, तो ये मैंने एक जगह लाइक देखा था. इवन इरफान नेजो हिमसेल्फ से इसके उसकी जो स्ट्रगल थी या उसकी जो जिस पॉइंट पे अभी वो है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ हिज हेल्प. ड्रोन शॉट्स भी इरफान ने जो कि वीडियो में शुरू में जो होते थे मोरो के ड्रोन से ही होते थे वो. वी हैव नो आइडिया अबाउट दिस वीडियो, वी हैवंट सीन इट. द नेम ऑफ द वीडियो इज फायदा किसका, एंड वी आर वेरी क्यूरियस के इस वीडियो में क्या है, तो लेट्स जस्ट चेक इट आउट. और अभी डिबेट हो नहीं सकती इस पे क्योंकि हमने देखी नहीं है, तो देखने के बाद वीडियो के एंड पे फिर इसके बारे में बात करेंगे, राइट? सो 3 2 1 प्ले. मुरुलॉग, डेट April 3rd 2020, लोकेशन कराची. मैं पिछले कुछ दिनों से ऑफिस में बंद हूँ, तकरीबन 8 दिन हो गए घर के हुए. बट इट्स नॉट अ बिग डील, मतलब कुछ टाइम मिल रहा है रिफ्लेक्ट करने के लिए. और आई गेस दिस वायरस अफेक्ट्स एवरीवन. कुछ लोगों को मेरे ख्याल से ज़्यादा असर हो रहा होगा दूसरों से. वायरस भी एक तरह से शिकारी की तरह निशाना लिए बैठे हैं ना कमज़ोर लोगों का. इट्स अ लिटिल फक्ड अप. आपके फायदे में मेरा फायदा. एक फैक्ट है जिसपे मैं आजकल गौर कर रहा हूँ कि दुनिया में कभी बराबरी थी ही नहीं. आप तारीख को कहीं से भी मोड़ के देख लें, आपको कभी बराबरी नहीं मिलेगी. कुछ लोग ताकतवर होते हैं, कुछ लोग कमज़ोर होते हैं, कुछ लोग अमीर होते हैं, कुछ लोग गरीब होते हैं. और ये सिलसिला हमेशा से ही ऐसा रहा है. इस मसले का हल हम अभी तक नहीं ढूंढ पाए और शायद इज्तमाही तौर पर ढूंढना चाहते भी नहीं है. आई नीड टू डिस्ट्रैक्ट माई सेल्फ, आई नीड टू वर्क. एक पुरानी वीडियो पे काम करना शुरू किया. उन दिनों की है जब हम आज़ादी से घूम फिर सकते थे. इट्स फनी हाँ, इस वक्त कैद में मुझे आज़ादी का सही एहसास हो रहा है. आई गेस प्लेजर गिव्स पेन भी नहीं. क्यों बुला? देखिए, अगर पेन ना हो तो हम तो आग से सड़ जाएं. क्योंकि पेन इज व्हाट प्रिवेंट्स अस, पेन इज व्हाट गिव्स अस दैट सिग्नल. भूख ना लगे तो बॉडी को फील ना हो तो हम तो मैल न्यूट्रिशन से मर जाएं. बिलाल, बिलाल की वजह से ही हम सब उठ के एक दिन थर चले. सर, मैं था, आई वाज वर्किंग इन लंदन, तो आई वाज ट्रैवलिंग इन अफ्रीका. दिस इज कंट्री कॉल्ड बुर्किना फासो इन वेस्ट अफ्रीका, वन ऑफ द मोस्ट पुअरेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड. उनका कैपिटल है वागाडुगू, फ्रेंच स्पीकिंग कंट्री, वेरी पुअर. वहाँ पे मैंने ये औरतों को देखा कि ये एक व्हील में लेके आ रही हैं पानी. तो मैं बड़ा क्यूरियस हुआ क्योंकि यू नो मैंने कहा यार ये कितना सिंपल सोल्यूशन, इंडिया में भी ये हो रहा था लेकिन पाकिस्तान में कुछ नहीं हो रहा था. तो फ्यू फ्रेंड्स गॉट टुगेदर एंड 3 years ago वी सेड यू नो लेट्स स्टार्ट इट. एंड सिंस देन यू नो वी आर गिविंग दीज व्हील्स आउट इन थरपाकर, इन एरियाज ऑफ बलूचिस्तान, इन सम अदर एरियाज ऑफ सिंध. इसमें 40 liters पानी आ जाता है. एक मटके में कंपैरेटिवली 8 से 10 liter पानी आता है. पानी के गैलन से डबल है क्योंकि उसमें 19 liters आता है. Just by the house.
नहीं बन रहा है। हिस्टोरिकली आप देखें कि औरत की जिम्मेदारी रही है पानी लेके आना, डजंट मैटर व्हाट एज शी इज, whether she is pregnant or she is not pregnant, it is her responsibility to fetch water. Men have never, because of ego. यास्मीन हमीद का एक शेर है, पूरी बात और पूरा किस्सा कौन लिखेगा, कितना मुश्किल था ये रास्ता कौन लिखेगा, दिन और रात के आधे आधे बंटवारे में कितना कम था किसका हिस्सा कौन लिखेगा। तो ये लोग फनी है। Nice. The project has changed gender rules. It's redefined. So now men will go out to fetch water. पहले मर्द कभी भी नहीं मटके में पानी लेके आया, लेकिन अब यार मैं अच्छा बना वजन वाला आदमी मुझसे ये नहीं उठाया 10 किलो कैलोरी यार बोलूँ ये हो क्या रहा है मुल्क में यार। इतने 100 सालों से जो ट्रेडिशन था वो चेंज हो रहा है, मर्द जा रहे हैं, आपने खुद भी देखा था कुछ मर्द आए हुए थे पानी लेके। अभी भी ज्यादातर जहाँ पे पहिया है वहाँ पे मर्द लेके आएंगे, जहाँ पे मटका है या जेरी कैन है वो औरत ही उठा के लेके आएगी। तो इसके सोशल बेनिफिट्स हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं, हेल्थ बेनिफिट्स हैं, क्योंकि बारिश हो जो भी औरत ने लेके आना फिसल जाते हैं, हैवी होता है, साथ बच्चा भी छोटा सा उठाया होता है। तो ये हमारी छोटी सी एक कोशिश है, एक छोटा सा प्रोजेक्ट है। भाई दुनिया में तो पानी भी बराबरी से तकसीम नहीं किया गया, मतलब कि आप जुल्म के खिलाफ जितने भी इकदाम कर रहे हो कहीं ना कहीं तो जिंदा रहे, तो फिर अगर कुछ करें तो क्यों करें, कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। इस चीज के बारे में आप भी साहब क्या सोचते होंगे, यकीन पीछे से नक्शा खींच के लाते होंगे। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं, यानी कि ज्यादा देर पहले की बात नहीं, जब इंसान की मीशत मुकम्मल तौर पे उसका जराई माल था, यानी कि टिंडे टमाटर और आलू उगाना सारे इंसानियत का काम था, काश्तकारी के औजार थे बुनियादी और मशक्कत थी जरूरी, जिस कौम ने जितना उगाया उतना ही पाया, और खाने की मकदार भी मुकर्रर थी, यानी कि साल दर साल एक ही जितना खाना बनता था वो तकसीम कर दिया जाता था। एक तवील अरसे से दुनिया ऐसे ही खड़ी थी जिसमें एक से आगे बढ़ने के लिए उसको पीछे छोड़ना होगा, ज्यादा पाने के लिए दूसरे को कम देना होगा, फसल की मकदार आखिरकार मुकर्रर ही है। हजारों सालों से ये सूरत हाल थी कि कबाइल एक दूसरे से माल के पीछे जंग में होते थे, बराबरी तो तब भी ना थी, कुछ लोगों के पास सब कुछ था, कुछ लोगों के पास पीने के लिए पानी भी नहीं। मगर ज़राई इंकलाब के बाद ये सब तब्दील हो गया। ये था जब हमने बेहतर मशीनें, बेहतर फसलें, बेहतर खाद इजाद की, हमने इंसान ने इजाद किया जिससे पैदावार में धमाके होने लगे और उससे आने वाली मुआशी तरक्की से समाज की नौयत ही तब्दील हो गई, यानी कि समाज इज्तमाही फ़ायदे की तरफ बढ़ चली, जिसमें आपके फ़ायदे में मेरा फ़ायदा और मेरे फायदे में आपका फायदा, साइकिल मेरे फायदे में ही आपका फायदा है। जितना हम इजाद करते हैं उतने ही और पेचीदा मसाइल हमारी बढ़ती जरूरियात और ख्वाहिशात के सामने पेश आने लगते हैं, मगर क्योंकि आपके फायदे में ही मेरा फायदा है तो हल हम मिलके ही दरियाफ्त कर रहे हैं। दुनिया में रिसर्चर्स और इंजीनियर्स का इजाफा होता है और हल और से और मसाइल के निकल आते हैं, मसाइल वही हैं मगर हाल और भी खूबसूरत। क्या बात की है अमाना, पानी बिल्कुल ऐसे ही, साइकिल से, गाड़ी से, एयरप्लेन जात हुआ, टेलीफोन से, सेल फोन से, अब स्मार्टफोन आपके सामने वजूद में आ रहे हैं। हेलो यार, ये दुनिया का इज्तमाई फायदे की तरफ आने से ही हुआ है, हमने मौजूदा मसाइल के नए हल दरियाफ्त किए, जिस तरह की ये ड्रम दरियाफ्त हुआ है, जैसे कि इस वक्त दुनिया मिलकर कोरोना वायरस की एक वैक्सीन दरियाफ्त कर रही है। मेक सेंस जुनैद भाई, वैसे हम तो कितना पानी वहाँ पे जाया करते हैं भाई, मुंह पे साबुन लगा हुआ है, नलका खुला हुआ है, बह जा रहा है और कमोड में भी जो है कितना लीटर हम पानी यूज करते हैं, बस क्या हमें अंदाजा नहीं है। कुछ लोगों की पूरी जिंदगी सिर्फ पानी लाना और ले जाना यही उनकी जिंदगी होती है, और हम कितने आराम से जी फ्रिज में मुंह डाल के पी लिया, वही छोड़ दिया, आधे ग्लास छोड़ दिए, रेस्टोरेंट में जाते हैं बड़ी बोतल मंगाते हैं, एक ग्लास पीते हैं, तीन ग्लास छोड़ देते हैं, करते ही नहीं है हम, कदर नहीं करते। इनके आपने देखनी है, आप यहाँ आके देखिए, इनके फायदे में भी मेरा ही फायदा और मेरे फायदे में आपका फायदा, मेरा तो वर्ल्ड व्यू ही बदल गया।
कई बार डॉट पे जाकर आप डोनेट भी कर सकते हैं। फिलहाल को फॉलो करते हैं पेतर जी ने कहा भी देख सकते हैं। मोमिन को अगर आप फॉलो नहीं कर रहे तो किस पत्थर के नीचे रह रहे हो यार। मौजूदा मसलों को नए हल भी दरियाफ्त कर सकते हो, अपने फायदे का भी सोच सकते हो। तुम अकेले नहीं हो, हम साथ हैं ना तुम्हारे। जुड़े रहो क्रम सब्सक्राइब। हर उस इंसान जिसको तुम जानते हो उसको फोन करो, उसको मैसेज कराओ, उसको कहो कि मरूं के इस चैनल को सब्सक्राइब कराओ। अगर जिंदगी में कुछ चेंज करना चाहते हो उनसे कहो, आगे वो तीन लोगों को कहेंगे मरूं को सब्सक्राइब करो, वो आगे तीन लोगों को कहेंगे थैंक यू की जगह मरूं को सब्सक्राइब करो। अगर आज सब्सक्राइब करेंगे 7 दिन में देखिएगा आपके संख्या 7 दिन में आपकी नेटवर्क डबल हो जाएगी। आपके जो जो ख्वाहिशें पूरी हो जाएगी पीर मरूं महबूबा के कदमों में आ जाएगा 7 दिनों में। सब्सक्राइब करें और उसको भी सब्सक्राइब कराएं। ओ भाई अगर आपके पेपर्स आ रहे हैं यार सारे ये भाई मोरू को सब्सक्राइब करें। अगर आप डॉक्टरी ढूंढ रहे हैं डॉक्टरी चाहिए मोरू को सब्सक्राइब करें। अगर आपकी अगर रिश्ते आने वाली गर्लफ्रेंड नहीं मान रही तो मोरू को सब्सक्राइब करें। अगर आप फ्यूचर एक्स वाइफ ढूंढ रहे हैं तो मोरू को सब्सक्राइब करें। भाई चैनल सब्सक्राइब करो नहीं तो फल्ली वल्ली हो जाएगा। सबने अपनी टैगलाइंस यूज किए। मोरू आउट नहीं आया। ओ भाई मोरू आउट नहीं आया। यार है वी हैव बीन टू थरपारकर आवरसेल्व्स twice right 2014 and in 2015 15 so yeah and twice hota hi tab hai jab koi ek cheez aapko ek first time achhi lag jaye to fir aapka second time jane ka bhi dil karta hai. It's almost 7 hours from Karachi, 7 to 8 hours depending on the route that you choose. Agar aap galat chale jaoge to wo bahut lamba pad jata hai but aur wo bhi hamare sath first time hum log ye 7 hours hame lage the. Next time kuch roads ban gayi thi, bypasses ban gaye the to within 5 hours we were in Thirparkar Mithi jo unka shehar hai Thirparkar ka hum aap pahunch gaye the. डिस्ट्रिक्ट हैं कुछ थरपारकर के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, नगर पारकर है, इस्लामकोट है, फिर एक दो और हैं मशहूर जो मिट्टी जो है वो दैट इज़ देयर सेंट्रल यू नो हब जहाँ पे सारे ऑफिसेज वगैरह और वो सब बेस्ड हैं। तो जितने भी एनजीओज वहाँ काम कर रहे हैं वो सारे वहीं पे बेस्ड हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि प्राइवेटली लोगों ने बहुत वहाँ पे किया है और आई हैड नो आइडिया नाइदर डिड ही दैट दिस वीडियो इज अबाउट थरपारकर और हमें सिर्फ ये था पता कि फिलैंथ्रोपी से रिलेटेड है यू नो व्हाट डू यू कॉल दैट फॉर नोबल कॉज नोबल कॉज नहीं एक वो जो होता है बड़ा यार आम सा वर्ड है क्या हो गया यार वो सोशल वर्क सोशल वर्क या तो आजकल सोशल डिस्टेंसिंग भी चल रही है सोशल वर्क का सोशल वर्क भी कह रहे हैं तो एनीवेज हाँ तो वहाँ का एक्सपीरियंस जो है हमारा सिमिलर एक्सपीरियंस था हम एक्चुअली डोनेशन के लिए ही गए थे वहाँ पे ड्राउट था उस वक्त 2014 या एंड सॉरी टू कट यू ऑफ सॉरी नो 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 प्रॉब्लम समीरा कहती है सॉरी टू कट यू ऑफ अच्छा 2014 में हम लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया कि हम लोग जब वहाँ पे वाटर वेल्स देखे तो इट वॉज 200 feet डीप वेल्स और 13 एडल्ट मैन ये 13 आदमियों ने मिल के एक ड्रम निकाला पानी का और एक पुली सी लगी हुई थी उससे उन्होंने खींचा था वेल से तो वही पानी जानवर भी पीते हैं वही पानी इंसान भी पीते हैं तो वो देख के बड़ा अफसोस हुआ था तो ये बड़ा खुशी हुई हम लोग ये देख के ये स्टेप इन्होंने लिया इनिशिएटिव तो की बेटा बहुत अच्छा लगा बड़ी खुशी हुई क्योंकि हम लोग जब गए थे तो दैट वाज आवर फर्स्ट टाइम उससे पहले कोई आइडिया नहीं था कि रूट क्या है और वहाँ पहुँचेंगे तो क्या देखेंगे हमें कोई बिल्कुल भी आइडिया नहीं था तो इट वाज ऑल डेजर्ट और जब हम गए थे तो ड्राउट था तो वहाँ लिटरली रोड साइड पे एनिमल रिमेन्स भी मिले और वहाँ पे कुछ एनजीओस थे जिनके साथ हमारा कलेबरेशन था उन्होंने हमें बताया कि इवन ह्यूमन रिमेन्स भी थे वहाँ पे जो एक्चुअली काफ़ी बच्चे थे जो मुझे अभी तक याद है खबर जो थी वो ये थी कि ऑलमोस्ट 220 चिल्ड्रन डाइड एक्चुअली 220 एक फिगर आया था 50 क्रॉस सेंटीग्रेड ज़्यादातर हम लोग ने लाइक 46-48 हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया था बिल्कुल और वो कहत था और बकायदा जो डेजर्ट सीन आप देखते हो कि वो वाटर मतलब इट वेपरेट्स टोटली वो बिल्कुल वैसा ही था पानी नहीं था कहीं पे भी अगर उनका कोई पॉन्ड अगर ओपन कोई था भी वैसे तो आई डोंट
थिंक सो कि वहाँ कोई ऐसा होगा बिकॉज इट इज़ इट हैज़ अ वेरी हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट. तो वहाँ पे वेल्स ही हैं जो कि प्राइवेट लोगों ने वहाँ जाके खोले हुए हैं और दे स्पेंड अबाउट 2.5-3 lakhs पर वेल. एंड वी आस्क द लोकल पीपल के वहाँ क्या प्रॉब्लम्स हैं. वो इतनी स्लेवरी में है और ये बहुत अफसोस की बात है कि स्लेवरी इस लेवल की है कि हम लोग जब वहाँ गए तो हमने वी ड्रेस्ड अप एज लाइक वी नॉर्मली ड्रेस इन सिटीज. ठीक है, जब शहर में हम जिस तरह ड्रेस करते हैं हम वैसे ही गए थे. हमने कोई अपना हुलिया जगह के हिसाब से नहीं चेंज किया. और जब हम वहाँ गए तो वो उन्होंने हमें देखा और आई डोंट नो उन्होंने हमें क्या समझ लिया. They felt like we are aliens. Yeah, we are aliens. और उन्होंने हमारे लिए आई स्टिल रिमेम्बर, तुझे याद होगा कि वो फौरन उन्होंने सोफाज और वो सारा हमारे लिए 5-6 रख दिए क्योंकि हम 4 या 5 थे. और इवन जो एग्जैक्टली जो ग्रोन अप थे, जो एडल्ट्स थे, जो बुजुर्ग थे वहाँ पे, वो भी वहाँ जाके नीचे बैठ गए और हमने एक दूसरे को देखा. हमें फौरन समझ में आ गई कि वो क्या था. एंड दैट वाज एक्चुअली द स्लेवरी इन देम. और जो हमारी सिंध गवर्नमेंट है, जो लोकल गवर्नमेंट है, दे हैव लाइक दे नीड टू यू नो गेट देयर ईमान बैक, जो कि कहीं नज़र नहीं आता. बिकॉज अगर ऐसा होता तो ये ऐसी हालत ना होती. तो ये बोलने की बातें लोग समझते हैं आप क्या कर रहे हो और दे शुड लाइक हैव सम शेम इन देम कि इस चीज़ को जो बोलते हैं वो एक्चुअली जितना बोलते हैं ना वो उतना ही कर लें तो बहुत बढ़िया. हम भी एक्चुअली मीडिया में कुछ नज़र आ रहा था, हम लोग खुद अपनी आंखों से देखने गए. जी 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 बिल्कुल. तो वी लाइक मोटिवेटेड देम एज मच एज वी कुड हर लिहाज से, रिलीजियस तरीके से भी, मॉरल तरीके से भी. लेकिन उनका हाल ऐसा रखा हुआ है कि इट दे आर इन रुइंस लिटरली. मतलब उनका बहुत बुरा हाल है और उन लोगों को एजुकेशन ABC से भी वो बहुत नीचे हैं अभी भी. मतलब 30 क्रॉस कर गए, 40 क्रॉस कर गए, एंड दे हैव लाइक नो यू नो एजुकेशन, नो बेसिक फैसिलिटीज इवन. और यहाँ पे वो मर्सिडीज़ में आपको शहर में नज़र आएंगे, यू नो, अपना कल्चर सेलिब्रेट करते हुए. तो किस बात का कल्चर है जब आपका अपना इंटीरियर सिंध की हालत इतनी बुरी है. तो यू नो थोड़ी सी शर्म. so अगर इतना ही इनिशिएटिव ये है, लेकिन जो ये लिया है बेसिक नीड के लिए व्हिच वाज वाटर. जी, तो वो लोगों की जिंदगी चल नहीं सकती, लाइफ इज वाटर एक्चुअली. जी, तो ये लोगों को ही ये जो है तौफीक क्यों नसीब हो रही है. और जिनके हाथ में एक्चुअली ये पावर दी गई है अल्लाह की तरफ से, वाइसरॉय क्या है, वाइसरॉय यही है कि अल्लाह ने यही फरमाया कि मेरे वाइसरॉय इस दुनिया में लाइक दे आर हिज रिप्रेजेंटेटिव. अल्लाह के रिप्रेजेंटेटिव हैं ये लोग जो ये हरकतें कर रहे हैं. एंड आई एम रियली हैप्पी उन्होंने थोड़ा सा फन भी रखा उसमें, जो वो हैं बिल्कुल बहुत अच्छा लगा. उन्होंने पानी से रिलेटेड उनका वो था बेसिक, और वो उन्होंने बहुत अच्छा, ये हमें नहीं आया आइडिया लेकिन अभी देखा है तो यही होता है मोस्टली कि एक चीज़ आती है, इंट्रोड्यूस होती है, उसके बाद आपको लगता है ये तो मुझे भी आ सकता था. लेकिन जब अभी देखा है तो बहुत अच्छा लगा है कि जहाँ 19 लीटर्स का एक गैलन होता है, उन्होंने उनको 40 लीटर्स का डबल ऑफ दैट उन्होंने उनके लिए अरेंज करवा के दे दिया. और बहुत सारे जिनको आप ईजिली ड्रैग करके लेके जा सकते हो. वी हैव सीन विमेन जिनके अगर आप फोरआर्म देखें तो आपको लगेगा नहीं बिकॉज वो पर्दा करती हैं, और अगर आप उनको देखो तो आपको लगेगा नहीं कि ये किसी औरत का हाथ है या औरत और का फोरआर्म. हमने कुछ किलोमीटर दूर देखा था इन लोगों को. एग्जैक्टली, हाँ, कुछ किलोमीटर हमने दूर देखा था. वहाँ से लेके आ रही थी पानी, सर पे रखा हुआ पानी और एक हाथ में बच्चा. जी, तो आप सोच सकते हैं कि कितना उनको बैक प्रॉब्लम. मुझे याद है दे टोल्ड अस, जो NGO जिनके साथ हम थे उन्होंने बताया था कि दे यूजुअली वॉक 3 kilometers ईच वुमन. Walks about 3 kilometers. और उनके वो जो एक शोल्डर पे वो एक वुडन एक वो होती है जिसके दोनों साइड पे उन्होंने बकेट्स जो है वो सस्पेंड की होती हैं और दोनों में पानी. जी, तो आई डोंट थिंक इवन अ बॉय अब यू नो लाइक ऑफ आर एज और यंगर देन अस he would be able to you know do it in one go. I don't think he will put the bucket like multiple times and then and unki itni halat matlab they are so strong basically ke because of the their majboori ke wo leke 3 kilometers they have to do that. So that is quite painful. lekin hum
ये लोग जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो लोग कहते थे इनको तो आदत है, तो आदत डाली के लिए, लेकिन सलाम जी सलाम। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्लीज़ ये अपील है कि जो एक्चुअल रिस्पॉन्सिबल लोग हैं वो थोड़ा सा इस चीज़ को यू नो रियलाइज़ करें और इस चीज़ के बारे में कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स उठा लें, बजाय इसके कि आके अपनी जान छुड़ाने के बजाय न्यूज़ चैनल्स पे आके या इन फ्रंट ऑफ द पीपल, दे शुड एक्चुअली वर्क ऑन इट, बिकॉज जितना खबर आती है कि इतना सारा उनके पास पैसा है ये एंड ऑल दैट, तो दे शुड एटलीस्ट पुट अ लिटिल बिट ऑफ अ फ्रैक्शन ऑफ इट फॉर दोज पीपल, तो काफ़ी फ़ायदा होता है। एनीवेज गाइज, दिस वॉज इट आर इंटरव्यू, और वीडियो देखी तो डेफिनेटली सारा कुछ समझ में आ गया कि व्हाट वाज इट अबाउट, कैसी लगी? बहुत और आई गेस 10 मिनट की थी वीडियो, 10 मिनट के अंदर उन्होंने सारी चीज़ रैप अप करके हमें बता दी, फन पार्ट भी दिखा दिया, इन्फॉर्मेशन भी दे दी मोरू ने, एज ही ऑलवेज डज, एजुकेट किया, बेसिकली एजुकेट कर लिया हम लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग and I'll see you in the next video. Till then, take care, Allah Hafiz, and happy Ramzan.